घर में घुसकर अध्यापक की धार धार हथियार से हत्या, खून से लथपथ मिला अध्यापक का शव। जी आपको बता दे, दरअसल पूरा मामला गोंडा जिले का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक अध्यापक के उसके ही परिचितों ने उसकी हत्या कर दी। अध्यापक की हत्या करके हत्यारे फरार हो गए हैं। और दरअसल जब पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिली, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नज़र दिखाई दे रही है, जैसा कि आप साफ तौर से तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जी आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला यूपी के गोंडा जिले से ये मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक अध्यापक की उसके ही परिचितों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। जी आपको बता दें, देर शाम की ये घटना बताई जा रही है, गोंडा जिले के पंतनगर मोहल्ले के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अध्यापक कृष्ण कुमार यादव यानी कि 32 वर्ष का एक अध्यापक किराए के मकान पर रह रहा था। लगभग एक महीने से वो किराए पर रह रहा था, बताया जा रहा है। और आपको बता दें, अध्यापक जनता इंटर कॉलेज इटिया थोक में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। और वहीं आपको बताते चले कि मूल रूप से अध्यापक अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर गांव का रहने वाला है, जहां पर यह अध्यापक अपने गांव से यहां गोंडा जिले नौकरी कर रहा था। और वहीं उसके परिचितों ने बताया जा रहा है कि अध्यापक के धारदार हथियार से घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि उसके ही परिचितदार उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द हत्या का खुलासा किया जाएगा। आइए सुनते हैं अधिकारियों का क्या कहना है। जनपद गोंडा में थाना कोतवाली नगर मोहल्ला फुर्दिशगंज, जहां पर आप मौजूद हैं इस समय, यहां पर एक किराए के घर में श्री कृष्ण कुमार यादव जी अपनी छोटी बहन के साथ, जो भी अध्यापिका है, ये भी अध्यापक है इटियाथोक के किसी विद्यालय में, यहाँ रहते थे। आज ये छोटी बहन लखनऊ किसी परीक्षा को देने गई हुई थी। इस बीच कृष्ण कुमार जी के कुछ जानने वाले लोग उनके कमरे में आए, कुछ वाद विवाद हुआ, उसकी मारपीट के दौरान उनको चोटें आई और इसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। इसमें इसको 112 नंबर के माध्यम से पुलिस को बुलाया गया था। मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, स्वाट टीम और फॉरेंसिक टीम आई हुई है, उनके परिजन भी आ गए हैं। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो संलिप्त अपराधी हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाकर जो भी विधि कार्रवाई की जाए। ये जो मृतक हैं ये इटियाथोक के विद्यालय में अध्यापक हैं, और जो छोटी बहन है वो भी यहाँ पर बेसिक शिक्षा में अध्यापक है। जनपद गोंडा, ये मूलतः जनपद अम्बेडकर नगर के रहने वाले।